फूडीज एंड वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ट्रेशर्स। आज मैं आपके साथ चिकन मोमोज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज का डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए गाइस, एक सॉफ्ट डो फॉर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड करेंगे और अच्छे से सॉट कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा पकने के बाद उसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। प्याज थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मीट मसाला या चिकन मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें 1/2 कप बीन्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चॉप किया हुआ कैबेज 1/2 कप ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें 1 कप बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे और ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा मोमोज की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो का एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और उसे अच्छे से बेलेंगे। हमें ये डो को सर्कल शेप में बेलना है और उसे ज़्यादा थिकनेस भी नहीं होना चाहिए। अब हमें डो के बीचों बीच स्टफिंग रख देंगे मोमोज का। और उसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा प्लीट्स जैसा फोल्ड करना है, एकदम आराम से फोल्ड करना है उसे। बिल्कुल भी क्रैक या होल नहीं होना चाहिए और उसे अच्छे से फोल्ड करके
प्रेस कर देंगे। देखिए मोमोज का शेप फॉर्म करने के लिए लास्ट में उसे अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा एक मोमोज रेडी हो चुका है। अब हम यही प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद देखिए गाइस फाइनली हमारा सारा मोमोस रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए कुकर में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे पहले। उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और उसमें मोमोस रख देंगे स्टीम करने के लिए, और इसे स्टीम करना है 10 मिनट्स के लिए। देखिए गाइस फाइनली हमारा चिकन मोमोस रेडी हो चुका है। मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है चाय के साथ। गाइस ये बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक है और बहुत ही आसान है बनाना, और इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।